प्रिय दर्शकों, अब हम अब स्वास्थ्य की ओर के छठे पुष्प में प्रवेश कर रहे हैं। बच्चा जन्म लेता है और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार छठे दिन उसका नामकरण होता है। समाज उसको एक नाम दे देता है। अब जीवन भर यह व्यक्ति इस नाम के लिए जिएगा और इसी नाम के लिए मरेगा, हंसेगा और रोएगा, इसी नाम के लिए कमाएगा और खोएगा, वह सब करेगा जो नहीं करना है। इसीलिए आज जिसे हम अब कह रहे हैं, इंसान उस स्थान पर आ खड़ा हुआ है जो उसने ही खोजा है, जो उसी का प्राप्य है। वे परिस्थितियाँ, वे जाल जो उसने ही बुना है, पृथ्वी, जल और वायु का प्रदूषण रासायनिकों और विकिरणों के प्रभावों से पिटता वह अब कैंसर नाम पर आ खड़ा हुआ है। नाम भी उसी का दिया हुआ है, क्योंकि नाम से ही कमाया जाता है, नाम से ही व्यापार खड़ा किया जाता है। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसके लिए टीका ईजाद करने वाला इंसान आज अर्थात अब अर्थात जहाँ हम हैं, जहाँ हम बैठे हैं, लेटे हैं, सोते हैं, जगे हैं, दुनिया के मालदार नामों में से एक है। लगभग 80 साल से कैंसर का टीका बनाने का प्रयत्न हो रहा है और पूरी दुनिया कैंसर से त्रस्त है और उसका ग्राफ ऊंचा होता जा रहा है। परिणाम, इस बीच कौन जिया कौन मरा यह देखने का समय हमारे पास नहीं है। जिनके पास समय है उनकी कोई सुनता नहीं है, क्योंकि सुनाने के लिए जिस तामझाम की ज़रूरत है उसके लिए उसके पास पैसा नहीं है। इसी कैंसर पर यह छठा पुष्प है। कैंसर क्या है? क्या यह पदार्थ है? इसीलिए तरह तरह के नाम इसको दिए गए हैं और प्रचलित चिकित्सा प्रणाली में इसका इलाज अधिकतर विकिरणों से होता है। लेकिन अब न केवल भुक्तभोगी वरन हम सब जानते हैं विकिरणों का कितना दुष्प्रभाव होता है। इससे पहले कि एक भुक्तभोगी के अनुभव से हम आपको परिचित कराएं, होम्योपैथी क्या कहती है आपको बता दें। होम्योपैथी के लिए हर रोग पदार्थ नहीं वरन ऊर्जा है। इसलिए कैंसर भी जीवन ऊर्जा के विरुद्ध लगी ऊर्जा ही है। वास्तव में कैंसर हमारे सुरक्षा तंत्र या डिफेंस मैकेनिज्म द्वारा जीवन के लिए लड़े जाने वाला अंतिम युद्ध है। वह इस तंत्र का रुद्रतम रूप है जो शत्रु के विरुद्ध जीवन को बचाने का निश्चयात्मक संघर्ष है। उसका परकोटा, जिसे हम सुरक्षा कवच या इम्यून सिस्टम कहते हैं, जीवन को बचाने के नाम पर ईजाद की गई दवाओं और टीकों से छलनी हो गया है। बची खुची कसर कैंसर से लड़ने के नाम पर विकिरणों का बम्बार्टमेंट पूरी कर देता है। अब यह प्रायः ध्वस्त है, शत्रु इसके अंदर प्रवेश कर गया है। पहले रक्षा मंत्री को पराजित अथवा मृत्यु के घाट उतारना है, ताकि इस घर जो प्रकृति ने रहने के लिए व्यक्ति को दिया था को धूल में मिलाया जा कर सके। इसके लिए सुरक्षा तंत्र किसी ऐसे स्थान को जिसे वह दुश्मन को बाहर निकालने के लिए अति उपयुक्त समझता है चुनता है। लेकिन इसी स्थल को यह मूर्ख इंसान ध्वस्त करने पर लग जाता है। अंत में शरीर के समस्त दरवाजे नष्ट या बंद कर दिए जाते हैं। केंद्रित ऊर्जा जो सुरक्षा तंत्र ने लगाई थी चारों ओर बिखर जाती है, निर्देश मिलना बंद हो जाता है। कैंसर फैल गया, टका सा उत्तर मिलता है और वह भी लाखों का खर्च कराकर। लाखों ही लेकर यह छत विकसित काया भस्म करने के लिए उनको सुपुर्द कर जाती है, जो बड़ी आशाओं और विश्वासों के साथ आधुनिक यंत्रों से लैस और महंगे विशेषज्ञों से पटी ऊंची इमारतों की शरण में आए थे।
राम नाम सत्य, तब झूठ क्या है सोचिए। मेरी मदर डाइड एट द एज ऑफ 52। शी वॉज अ डॉक्टर, वो खुद एक डॉक्टर थी। उनकी एक गिल्टी थी जो उन्होंने खुद कभी दिखाई नहीं और बताई नहीं एज मदर, या उस टाइम में पता नहीं उन्होंने क्यों अपने आप को छुपा के रखा, हमें नहीं पता। लेकिन जब पता चला तो हम ईस्ट ऑफ कैलाश में रहते थे, तो हम नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में लेके गए और वो चेस्ट में पेन की वो करती थी, हम छोटे छोटे थे, तो उन्होंने उनको नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में ऑलमोस्ट दवाइयाँ दे दे के एक महीने में कि आपका हार्ट बहुत वीक है, इसलिए आपको चक्कर आ रहे हैं, आप गिर रही हैं, आप घबरा रही हैं, तो उसमें उनका एक महीने तक इलाज चला। उसके बाद उनकी सिस्टर जो हम, तो क्योंकि बहुत छोटे थे, उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारे ब्रेस्ट में गिल्टी है, शायद इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनको फिर हम विलिंगडन सफदरजंग हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ एक बड़ी बुज़ुर्ग सी लेडी थी, उन्होंने कहा कि इनको तो कैंसर है, तो कैंसर के लिए हम फिर उनको धर्मशिला हॉस्पिटल लेके गए। और धर्मशिला हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर्स का नाम नहीं लेना चाहूँगी, डॉक्टर साहब ने कहा कि इनकी गिल्टी जो है ब्रेस्ट में बहुत बड़ी है, इनको ऑपरेट कर देना चाहिए और वो गिल्टी निकाल देनी चाहिए, ब्रेस्ट निकाल देंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। उसके बाद हम फिर एक वही बुज़ुर्ग जो लेडी थी सफदरजंग हॉस्पिटल की, नहीं गंगाराम हॉस्पिटल की, बहुत बुज़ुर्ग सी थी, 65-70 इनका, कि इनकी हालत देख के मुझे लगता नहीं है कि इनकी ब्रेस्ट रिमूवर आपको करानी चाहिए, इनकी एक स्कैन कराइए जिसके अंदर पता चलेगा कि बॉडी में हॉट स्पॉट्स कितने हैं। तो जब उनको उन्होंने, हम फिर वापस धर्मशिला गए, मैंने कहा जी अभी इनको ऑपरेट मत करिए, पहले देख लीजिए कि नहीं नहीं ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमने कहा आप एक ये टेस्ट हम लिखवा के आए हैं, आप ये टेस्ट करवा दीजिए हमारे मदर का कि अगर ऑपरेशनल ज़रूरी है तो करेंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। तो फिर उन्होंने एक वो बोन डेंसिटी टेस्ट किया उनका अंदर, तो उसके अंदर शी वॉज अ फोर्थ स्टेज कैंसर वेयर द मेटासिस हैड स्प्रेड इन द एंटायर बॉडी। तो जब उन्हीं डॉक्टर ने वो रिपोर्ट देखी तो उन्हें कहा नहीं 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 इनका अब ब्रेस्ट रिमूवल की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज शी इज़ ऑलरेडी फोर्थ स्टेज कैंसर, तो हमें नहीं लगता इनके ऊपर ऑपरेट करना चाहिए। तो वो जो इतने सीनियर डॉक्टर थे वहाँ के, उनको हमने बोला कि अगर ये जो था ये आपने करवाना था और हमें बताना था कि ज़रूरत नहीं है कराने की, क्योंकि ये बच ही नहीं सकती हैं। हम जब सरकारी अस्पताल में गए हैं किसी की जान पहचान पता करके, और वो कह रहे हैं कि नहीं जो कंडीशन आपकी मदर की लग रही है आप एक दफ़ा ये बोन टेस्ट करा लीजिए, तो बोन में तो पूरी बॉडी में मेटासिस थे, तो वो खाली एक ब्रेस्ट को रिमूव करने से कोई फ़र्क नहीं आता। हमने वहाँ बोला कि इनका कोई विल शी सर्वाइव विल शी नॉट सर्वाइव, तो बिफोर दे कुड से दे विल सर्वाइव, माई मदर सेड आई हैव ओनली 6 मंथ्स, अगर आप मुझे खींचोगे बहुत ज़्यादा तो मैं शायद साल भर खींच जाऊँगी, बट यू नो इट इज़ स्प्रेड इन माई बॉडी सो फास्ट। एनीवेज हम धर्मशिला गए बिकॉज पेरेंट्स हैं, माँ है, तो उन्होंने किसी भी तरह उनको 1.5 साल, मतलब हाँ हम बोले थे अब इनको छोड़ दो कीमो पे कीमो, हमने कहा अगर कीमो से फ़र्क नहीं पड़ेगा कीमोथेरेपी पे, एक एक कीमो 35,000 की, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आज से 18 साल पहले, उस समय 32,000 की और 35,000 की कीमो, आई मीन एक कैंसर का इलाज करते करते आई हैव सीन द हाउस कमिंग डाउन लाइक एनीथिंग, यू नो आप इतना, बिकॉज कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आप खर्चा करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं और रिजल्ट कोई नहीं। फिर वही डॉक्टर्स जो आगे पीछे घूम रहे हैं और कीमोज दे रहे हैं, हमने उनको मना किया कि अब क्या हम कीमो बंद कर दें, तो उन्होंने कहा कि नहीं शायद रिवाइव कर जाए, कीमोज इनको लग जाए, बट इवेंचुअली क्योंकि वो हॉस्पिटल में थी, हमको लगता था नहीं नहीं हम सरकारी अस्पताल में तो नहीं लेके जाएंगे, वहाँ तो बिल्कुल इलाज नहीं होता, सरकारी अस्पताल बिल्कुल ही बेकार है, वहाँ इलाज नहीं होता, तो हमने वहीं रहने दिया। और रात को हमें फ़ोन आया कि मुश्किल से एक आध घंटा रह गया, आप आ जाइए, आपकी मदर, शी वॉज नो मोर, बट शी न्यू कि आई विल नॉट सर्वाइव एंड शी टोल्ड अस दैट आई विल नॉट सर्वाइव। दिस केस वेंट ऑन एंड वी रियलाइज कि हम कैसे जाते थे, कैसे कीमोज उनको मिलती थी, अगर शायद हम उनको छोड़ देते फोर्थ स्टेज कैंसर में और अपने पास रखते, हम बच्चों को रिलाइज होता है हम 3 बच्चे हैं, तो शायद वो 1.5 साल हमारे साथ उसी इन्वायरमेंट में रह के धीरे धीरे स्लो डेथ ले लेती, बट वो मतलब जब उनकी डेथ हुई तो वो मुश्किल से 22 किलो की थी, सर पे बाल नहीं, मतलब डॉक्टर हु इज़ लाइक 65 kgs,
22 किलो की डेथ, मतलब यू सीन इट,